नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बालू की समस्या बीते कई दिनों से लगातार बिहार में देखने को मिल रही है, जिसके कारण अवैध बालू खनन भी चरम पर है। हालांकि इन सबके बीच बालू खनन को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत बिहार में खनिज विकास निगम ने 8 जिलों में नए सिरे से बालू खनन शुरू करने के लिए नई एजेंसी की तलाश का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बालू खनन पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने खनिज निगम के माध्यम से नई एजेंसीज की तलाश शुरू कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि एजेंसी चयन का काम खनिज विकास निगम के माध्यम से होना चाहिए, जिसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही है कि 4 दिसंबर तक एजेंसीज का चयन कर लिया जाएगा। राजधानी पट्टा में बालू खनन के लिए 23 नवंबर तक निविदा का फैसला होने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है, जिसके बाद ही अब पटना, सारण, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय जिले में नदियों से नए सिरे से बालू खनन शुरू होगा। इसको लेकर राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर से ही प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हालांकि पर्यावरणीय स्वीकृति के पुराने प्रमाण पत्रों के आधार पर एजेंसी या ठेकेदार चयन के विरोध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मामला दायर होने के बाद एजेंसी चयन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन पर रोक को निरस्त करते हुए एजेंसी की तरफ से चयन के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद अब निगम ने एजेंसी चयन का काम शुरू कर दिया है। विभागीय सूत्रों की माने तो 4 दिसंबर तक एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राजधानी पटना में खनन विभाग ने न्यूनतम 70 लाख से 3 करोड़ रुपए से अधिक की उच्चतम बोली लगाने का विकल्प पेश किया है। 16 नवंबर को निविदा पेपर डाउनलोड करके 23 तक जमा करने का मौका दिया गया था, जिसके बाद 23 नवंबर को ही निविदा खोलने का काम किया जाएगा और सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों की सूची 25 नवंबर तक जारी कर दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना में 51 बालू घाट का निर्धारण बालू खनन नीति 2019 के तहत किया गया है। नई नीति के तहत अधिकतम लोगों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एक व्यक्ति और फर्म को अधिकतम 2 घाटों को बंदोबस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी होने के साथ ही राजधानी पटना सहित 8 जिलों में बंदोबस्ती में पर्यावरण प्रदूषण के मानक को देखते हुए बालू घाटों की बंदोबस्ती खनन के लिए की जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।